हाँ तो मित्रों, जहां से पार्ट टू का एंड हुआ था, जहां खत्म हुआ था, वहां से मैं पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। और आप देख रहे होंगे कि आपका वो वीडियो यहीं से बंद हुआ था। यहां देखेंगे कि महालाइफ गोल्ड और यही मोबाइल के कैलकुलेटर में, जिसे सिक्योर लाइफ के नाम से जाना जाता है, उसी में ऐसे ही ठीक निकल के आता है। तो यहीं से हम आपको छोड़े थे। कृपया इसे आप स्टार्ट करें और स्टार्ट करके फुल वीडियो देखें, आप जान लें, समझ लें कैसे क्या होता है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको स्पष्ट होगा। तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वो इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ जो कि हर ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर या फिर सेल्स एडवाइजर आपको दिखाते हैं अपने मोबाइल में निकाल के। तो मैंने भी एक 35 ईयर एज में एक निकाला, जिसका सम एश्योर्ड मैंने भी यहाँ 10 लाख रुपया दिया, और 10 लाख रुपया के ऊपर कैलकुलेशन मैंने देखा कि इसका एक्चुअल प्रीमियम क्या रहा था। एनुअलाइज प्रीमियम देख लेंगे, 1,47,620 रुपया आया, जिसको पीपीटी जिसमें दिए हैं 15 ईयर का, यानी 15 वर्ष तक जमा करना है। तो सबसे मूल बात क्या है कि आप 15 वर्ष में कितना जमा कर रहे हैं ये देख लीजिए। 15 वर्ष में आपका रुपया जमा हो जाएगा 22,14,300, जबकि आपके रिस्कवर कितने की हो रही है, 10 टाइम हो तो ठीक है, यानी रिस्क कवर भी अगर देखें तो भी 1,14,76,000 का ही होगा, जबकि प्रीमियम हमने दे दिया 22,14,000। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैं कैश डिविडेंड तो आपको रिटर्न कर ही देता हूं, तो आप कैश डिविडेंड भी रिटर्न करके देख लेंगे आप क्या मुझे रिटर्न कर रहे हैं। आप बोले हैं कि मिनिमम 4% की गारंटी दूंगा, गारंटी नहीं, नॉन गारंटी दूंगा। हाँ ये तो गारंटी है, 4% की गारंटी दूंगा, तो आप कितना दे रहे हैं, 19,000। मुझे इसीलिए मैंने उस टाइम ही बोला कि आप ये 4% 8% किसका देते हैं अभी तक डिक्लियर नहीं है। यहाँ तो खैर गारंटीड इनकम की बात है, वो तो क्लियर है कि आपको 5.5% ऑफ सम एश्योर्ड देंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं है ये डिविडेंड बोनस जो है किस पे आप कैलकुलेट करते हैं, ये डार्क में रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये आपके खुले चेहरों को दिखाता है। अगर 4% मैं सम एश्योर्ड को मानूं तो आपका यहाँ पर बन गया 40,000 रुपया आपको मिलना चाहिए एवरी ईयर मिनिमम। 8% को मानू तो 80,500 मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कौन सा मिनिमम की क्या गारंटी है, कोई ठीक नहीं है। मिनिमम 4% बोलता है कि गारंटी दूंगा, लेकिन इस मिनिमम की क्या गारंटी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब 19,000 का मतलब हो गया कि 1.9% ही आप रिटर्न करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी नॉन गारंटेड प्लान दे के वो 8% का रिटर्न देती है, कोई नहीं देती है, गारंटी के साथ मैं दावा करता हूं। आप देख लेंगे उठा के, इसी का जो मैंने बोनस रेट बोनस चार्ट आपको दिखाया, यहां भी आप समझ गए होंगे कि क्या मुझे मिल रहा है। तो ये 19,000 रुपया मात्र मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके बॉस क्या दिखाते हैं, 80,000 यहां से मिल जाएगा। देख लो भाई, छठे साल से आपको मिलने लगेगा, छठे साल से लेकर 10वें साल तक ये तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन जैसे ही आप 10 साल 80,000 रुपया लेंगे, उसके बाद से फिर गारंटी जुट जाएगा, गारंटी जुट जाएगा 55,000। ये तो गारंटी है कि आपको 10वें साल से 55,000 रुपया आपको गारंटी मिलते रहेगा टिल 99 ईयर तक, चूंकि इसमें 100 ईयर का मैंने देखा था पॉलिसी टर्म का लिए कि 100 ईयर पे मैच्योरिटी चाहिए, ये गारंटी नहीं है। जब यहाँ ये 80,000 रुपये गारंटी नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि मैं इतना रुपया दूंगा, 4% की मिनिमम की गारंटी है, ये तो मैक्सिमम गारंटी है, तो भी आप ज्यादा दे रहे हैं, जो कि है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। मिनिमम गारंटी 4 दे रहे हैं तो भी आप 4% भी नहीं दे रहे हैं, 1.9% ही दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है और ये डार्क में रखने वाली बात है। कहने के लिए हर चीज ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, बस गारंटी की ही ट्रांसपेरेंसी है जो आप गारंटेड यहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप बोलते हैं कि मैं रिस्क कवर यानी सम एश्योर्ड देता हूँ 10 टाइम ऑफ प्रीमियम, यानी 14,76,000, 10 गुना करेंगे तो 14,76,000 हो जाएगा। तो जबकि आप देखेंगे कि यहाँ सम एश्योर्ड भी दो तरह का है, सबसे बड़ी बात यह है सम एश्योर्ड यहाँ दो तरह का है, एक हो गया मैच्योरिटी सम एश्योर्ड यानी सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या आपको देंगे जिस पे मैं कैलकुलेट किया था, यानी 10 लाख ही देंगे। ऐसा नहीं है कि 14 लाख रुपया आपको सम एश्योर्ड यहाँ दिखाएं तो 14 लाख रुपया दे देंगे, चूंकि 10 टाइम दे रहे हैं, तो ओनली फॉर रिस्क कवर। ये जो 14,76,000 आपको जो मिलेंगे प्रीमियम का 10 गुना, वो ओनली रिस्क कवर के लिए, ना कि आपको मैच्योरिटी में देंगे, मैच्योरिटी में सिर्फ 10 लाख ही देंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है।
100 ईयर में आपको 99 ईयर में मैच्योरिटी मिल जाएगा 10 लाख रुपया। तो आप यहाँ अब हम कहेंगे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 19,000 का पता नहीं कौन से रेट से कैलकुलेट किए हैं, 19,000 के रेट से अगर कैलकुलेट भी किया गया तो 11,40,000 ही मिला। 8% के हिसाब से देखा गया तो 48,30,000, जो कि गारंटी है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, धरती इधर से उधर हो जाए। बाकी ये जो गारंटी की बात है 40,80,000 ये गारंटी है। तो यानी आपके 22 लाख जो दिए हैं आप रुपया, उसके 65 साल बाद, यानी आपने 15 वर्ष तक जमा किया तो 22,14,000 हो गया। तो हम 65 साल नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 15 साल और घटा देंगे, यानी 35, 15, 50 हो गया। और 50 वर्ष बाद आपको मिल रहे हैं 22,40,000 जो गारंटी है। तो क्या मिल गया आप ही बताएं, यहाँ कौन से इन्फ्लेशन को ये बीट करेगा, क्या इन्फ्लेशन रेट के अनुसार आपको मिलेगा। एक मैं कैलकुलेशन किया हूँ, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, कि अगर मैं 22 लाख रुपया का ही अगर 50 साल बाद, जबकि मैंने 45 ईयर में देखा है, तो इन्फ्लेशन के अनुसार नॉन गारंटेड होना चाहिए 63 लाख रुपया। ये जो नॉन गारंटेड है इसको मैंने 4% पे निकाला है, चूंकि 40,000 होना चाहिए और इसका पता नहीं है क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो 40,000 के बदले 19,000 मिल रहा है, और ये अगर 4% इन्फ्लेशन के रेट से भी देखते हैं तो आपको मिलना चाहिए 63 लाख रुपया। और गारंटीड की जो बात हो गई, तो गारंटीड का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे महंगाई दर के अनुसार, तो मुझे 22 लाख रुपया का, यानी जो 22 लाख रुपया हमने छोड़ गया, तो इस पे इसकी गारंटी जो मिलना चाहिए मुझे 78,18,750 रुपया मिलना चाहिए, जबकि मिल रहा है 40,80,000। तो ये भी बीट नहीं कर पा रहा है इन्फ्लेशन को। और लास्टली क्या रह गया कि आपको 10 लाख रुपये मैच्योरिटी मिलती है, तो यानी 10 लाख यहाँ कैलकुलेट करके देखिए जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि 55,000 रुपये जो मिल रहा है आपको कैलकुलेशन, वो आपको 66 वर्ष तक मिल रहा है, तो 40,80,000, चूँकि 55,000 × 66 प्लस आपको मैच्योरिटी जो ये गारंटी है 40,80,000 की गारंटी मिल गया, प्लस अगर 4% के हिसाब से देखा जाए तो 11,40,000 ऐड किया तो 52,20,000 रुपया मिला, और यहाँ 8% के हिसाब से देखा तो 89,10,000। तो जो कि यहाँ तो संभव है ही नहीं, और ये संभव भी है तो 22 लाख रुपया का 52 लाख रुपया अगर मिल रहा है तो क्या मिला आप समझ सकते हैं। इस पॉलिसी को प्रमोट तब लीजिए जब कोई बड़ा प्रीमियम देने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। अगर बड़ा प्रीमियम दे रहा है तो ग्रिप में डाल दीजिए, उन तो अदर पॉलिसी में डालिए, जिस ग्रिप की भी चर्चा मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप कृपया इसे भी हमारे इंड स्क्रीन में देख लेंगे या फिर आई बटन में देख लेंगे, ये दिया हुआ है। आपका सरेंडर वैल्यू भी क्या मिलता है वो भी आई बटन में है, उसको भी आप देख लेंगे। सच्चाई यही है कि हमेशा मोबाइल में दिखाया जाता है इतना मिलता है इतना मिलता है, 4% से कम नहीं मिला, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ कितना परसेंट मिल रहा है, खुद आप समझदार हैं समझ सकते हैं। हमारे कहने का मतलब एक ही है, कंक्लूजन यही है कि आप किसी भी पॉलिसी को लें तो ब्रोशर को उठा के जरूर पढ़ें, उसके सेल्स मैनेजर ब्रांच मैनेजर या किसी के कहने पे तुरंत जल्दी में कुछ नहीं करें। नहीं तो हमने देखा है ऐसे ब्रांच मैनेजर इंश्योरेंस के प्रति बेचैनी कि क्या करेंगे कि तुरंत आपको जैसे ही मोटा मोटी समझाएंगे, बस हाईलाइट थोड़ा सा दिखाएंगे, ये मिला ये मिला ये मिला। अच्छा एक ऐसा काम करिए, आप चेक लाए हैं, आधार कार्ड लाए हैं, पैन कार्ड लाए हैं, दीजिए मैं पॉलिसी कर देता हूँ, ऐसा ये पॉलिसी कल बंद हो जाएगा, फिर नहीं मिलने वाला है, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा पॉलिसी, इतना हाई रिटर्न की ये हाई रिटर्न की पॉलिसी आज बंद हो जाएगी। इसलिए आप जैसे भी हो भाई साहब शाम तक जरूर ले लीजिए, भाई साहब आप देखिएगा ये गड़बड़ नहीं, बोलिए मैं चलूँ आपके साथ कि अपने बैंक को भेज दूँ कि अपने सेल्स मैनेजर को भेज दूँ, एडवाइजर को भेज देता हूँ, चलिए हटाइए, आप जाके जरूर डॉक्यूमेंट दे दीजिए, इसको कर देता हूँ। अरे भैया कम से कम सोचने समझने जानने की तो समय दीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप कैसे ट्रस्ट बिल्डअप बढ़ेगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आप पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख के समझ गए होंगे। बिना पॉलिसी की डीप पढ़ाई किए डीप समझे उसको गहन अध्ययन किए कभी मत लीजिए, चूंकि ये इंश्योरेंस जीवन के साथ है। आप जब तक आप अपनी गाढ़ी कमाई आप अपने पसीने के कमाई इस इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाते हैं, इतना हमारे यहाँ के लोग समझदार नहीं हैं, या फिर आप तो हैं बहुत समझदार ये कहना गलत होगा, लेकिन आप कभी भी ब्रोशर पढ़ते नहीं है, सिर्फ विश्वास पे मत जाइए, क्योंकि विश्वास करके भी बहुत सारी कंपनियां तो नहीं लेकिन सेल्स मैनेजर बहुत सारे धोखा दे चुके हैं।
और आगे देते रहेंगे अगर आप जागरूक नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो कृपया आप हर पॉलिसी, जो भी पॉलिसी लीजिए, उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। उनके दिए गए सिर्फ मोबाइल के इलस्ट्रेशन पे मत जाइए। मोबाइल में जो दिखा रहे हैं उसकी एक बार ध्यान से उन्हीं से तो पूछ लीजिए, सर ये 4% दिखा गया क्या 4% है, ये समेसोड का है कि प्रीमियम का है, टोटल प्रीमियम का है कि पार्शियल प्रीमियम का है, किसका है, इसको जरूर जानने की कोशिश करिए। जब तक उनसे इसका निचोड़ नहीं जानिए, पूछिए नहीं, ब्रोशर नहीं पढ़िए, तब तक कोई पॉलिसी नहीं लीजिए, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे किसी भी कंपनी का प्लान हो, इवन LIC ही क्यों ना हो, किसी भी कंपनी का प्लान गारंटीड है तो समझ में आ रहा है। उसमें भी देखिएगा बहुत सारे लोचा है, उसकी भी आपको विशेष वीडियो मैं बना के भेज दूंगा, आप कृपया देखेंगे, जानिए, तभी जाके लेने का प्रयास करिए। पॉलिसी लेने के बाद ब्रोशर पढ़े तो एक ही ऑप्शन बचता है कि पॉलिसी लेने के बाद बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर आप जब चाहे पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। उसका भी मैंने आई बटन में लिंक दे दिया हूं, आप देख लेंगे कि सरेंडर वैल्यू क्या मिलेंगे, फ्री लुक में क्या मिलेंगे, मतलब पॉलिसी अगर तोड़ देते हैं 15 दिन के अंदर तो उसे फ्री लुक बोला जाता है, फ्री लुक में क्या मिलेंगे, इसका भी वीडियो है, वो आई बटन में है, कृपया निकाल के देख लेंगे। अगर पॉलिसी ले ही लिया है तो सरेंडर का तो सपना में भी मत सोचिए, सरेंडर करने के बाद आपको क्या मिलेगा आप खुद ही आपके होश उड़ जाएंगे देखने के बाद। अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फुल वीडियो देखिएगा तो जानकारी मिलेगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप कृपया सरेंडर को भी निकाल के देख लीजिए। मैं यहाँ सरेंडर वैल्यू जो भी आपको दिखाया हूँ ये उस पॉलिसी का दिखाया हूँ जो फुल्ली गारंटीड है, कि कृपया आप वो फुल वीडियो देखिए, देख के जानकारी लीजिए, जानकारी लेके आप अपना इंश्योरेंस सुरक्षित करिए। इसके लिए मुझे एक लाइक कम से कम जरूर दे दीजिएगा, यही बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।